तुम अब जाओ जी, और वापस मत आना। आपसे ऐसा शहीर ने कहा? मुझे लग रहा था तुम मुझसे बात करने जाओगे। नहीं भाई, अब मुझे पता चल गया है ना कि आप उसके बारे में क्या फील करते हैं, तो मैं उस पर थूकूंगी भी नहीं। नहीं, हमारा सबका यही ख्याल है। देखो, तुम्हारे पे बुरा वक्त आया तो तुम्हें हमारा ख्याल आया, ठीक है, इससे तुम्हारा गम तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, मगर इससे हमारा तो दुख डबल हो जाएगा ना। प्लीज आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती, प्लीज आंटी। बेटा, तुम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकती जी। आंटी, मैं हमेशा भरम से रही हूँ, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आंटी प्लीज कुछ करें, उसको मना लें आंटी प्लीज। अच्छा आंटी प्लीज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा रिलैक्स, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा रिलैक्स करो, ये लो, ये थोड़ा सा पियो, रिलैक्स करो, देखते हैं। अपने हाथ से जूस पिला रही है, इससे बेहतर है मुझे जहर पिला दे। नहीं, वो एक्चुअली बहुत परेशान थी इसलिए। आई डोंट केयर, इसको कैसे जाए यहां से। अभी तो तुम मुझसे सही बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गया है? मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम दफा हो जाओ यहां से। एक चांस दे दो मुझे शहीर। किस चीज का चांस चाहिए तुम्हें अब? कुछ तो होगा जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। कितनी घटिया और सेल्फिश औरत हो, इधर आके खड़ी हो गई हो तब बुला के, तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था? याद है मुझे, तभी मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे जैसी खुदगर्ज औरत मैंने नहीं देखी, सिर्फ अपना गिल्ट खत्म करने के लिए अब तुम यहाँ आ गई हो। प्लीज शहीर, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल है। प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं सब भुलाना चाहता हूँ इससे पहले कि मुझे तफसील से सारी चीजें याद आ जाए। तुम चली जाओ। तुम सही कह रहे हो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं कर सकता मैं तुम्हें माफ, दफा हो जाओ यहाँ से।